बिसमिलारम रहीम नाजीन डी टी एन से मैं हूँ मन अहमद और आज हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू uh, करेंगे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की सबक एग्जैक्टिव डायरेक्टर विजुअल आर्ट्स आमना इस्माइल पटौदी से वेलकम इसमाहीसिज इस्माइल हाउ आर यू अलहमदल्ला जी बिल्कुल ठीक ठाक आपने इतना लंबा अरसा जो है वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स नेशनल आर्ट गैलरीज में एज ए उसमें उसके साथ गुजारा फिर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रही और आप जानती हैं कि आजकल ए जे शमजाज की पेंटिंग्स के हवाले से काफ़ी बात हो रही है और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ़ द आर्ट्स का मौक़ कल सामने आया है कि ये बिल्कुल आ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हमने काम किया है और ये 35 साल से पेंडिंग था 1985 में जब आ, उनकी अब आपकी आवाज नहीं आ रही जी आ, उन्नीस में जब आ, आ, मेरी हमजा मेरी शमजा ने आ, जब ये पेंटिंग की एग्जिबिशन की तो उसके बाद आ, कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो मुस्तार जो हैं वो आ, लोन की सूरत में नेशनल गैलरी नेशनल आर्ट गैलरी को दी गई थी जो कि उस वक्त से वो वापिस जाने के बाद मांग नहीं थी और आप लोगों ने उनकी पेंटिंग्स वापस नहीं की आपने पैंतीस साल तक ये मामला क्यों लटकाए रखा पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने और नेशनल आर्ट गैलरी ने जी आमना पटौदी साहबा आपने मेरा सवाल सुन लिया आमना बिल्कुल आपका सवाल मैंने सुन लिया uh, ये थोड़ा सा व्हाट इसका नेट का डिस्टरबेंस होगी बट आई वुड लाइक टू क्लियर माय पॉइंट आपका जो क्वेश्चन uh, है वो ये है कि आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं इस वक्त एक्स यानी फॉर्मर डायरेक्टर मतलब एग्जेक डायरेक्टर से विजुअल आर्ट से ही रिलेटेड थी और दूसरा मैं ये बात आपसे कहूँ कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं हमारी क्योंकि हम एक ऐसी बॉडी है जो अंडर मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट हो, है तो आप उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतनी मिनिस्ट्री में जो भी हमारे लोग आए रहे जो डायरेक्टर जनरल रहे जो डायरेक्टर्स रहे उन सब ने क्यों एक ऐसा मौके जिसकी वजह से ये पेंटिंग्स 35 फाइव से लटकती रही जी यही सवाल है ना आप आप हमारी इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन करें मैं तो सिर्फ इस बात पर जवाब दूंगी की अगर मैंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में टू थाउजेंड एंड टू से सर्व करना शुरू किया है पहले जब और फिर मैं रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे 2007 से ऑनवर्ड्स टिल mm. दिस डेट यानी जुलाई को मैं रिटायर हुई हूं। तो ये तमाम मामला आपके सामने आते रहे हैं और डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स भी जो एज ए डी आए उन तमाम के दौर से मैं एज ए विजुअल आर्ट के पर्सन गुजरी हूँ एंड डेफिनेटली अगर कोई बुरा नाम आपके अदारे पर होता है या कोई ऐसी चीज जिससे आपके मुल्क और कौम की इंटेग्रिटी पे बात आती है तो आप उसके लिए जस्टिफाई करने के लिए आप ऐसी पोस्ट पर बैठे होते हैं मैं समझती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा जो एक पैशन था या मैंने अपनी ड्यूटी समझी वो यही था कि हम अपने इदारे को एक ऐसा नाम दें जो हमारे लिए नेशनली और इंटरनेशनली फखर हो मैं समझती हूँ कि ये केस जो शमदा की पेंटिंग का है ये कोई एक दिन की बात ऐसे नहीं बन के सामने आई और ख़त्म हो गई मेरी नज़र से ये चीज़ बिल्कुल गुजरी और मैंने इस चीज पर जो हमारे प्रीवियस लोगों ने जो इस पे कॉरस्पॉन्डेंस की भी थी वो फाइल हमने अच्छी तरह से देखी 2016 की मैं बात इसलिए करती हूँ कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप फाउंडेशन के बगैर इमारत नहीं शुरू कर सकते मैं तब की बात अगर ना करूँ कि जी मेरे पास चीज कैसे आई तो वो बात अधूरी हो जाएगी मैंने अगर शुरू करना है तो मैंने अपना पुराना हिसाब किताब पहले बराबर करना है उसके बाद मैंने किसी नई चीज़ की बुनियाद डाली यहाँ पे थोड़ी सी हमसे आ, मैं समझती हूँ कि इदारे से ही कोताही हुई है या जो लोग यहाँ पर रहे उन्होंने अपने तौर पे कोशिश पूरी की मैं इस चीज़ की तो विटनेस हूँ कि 2016 में क्योंकि मैं एज ए एक्जिव डायरेक्टर अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी uh, अपना सॉरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर शाकिर अली म्यूजियम में अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी और जब इन्होंने ये मिसिंग पेंटिंग का चीज उठाई तो एक कमेटी बनी गई बनाई गई 2016 में अब उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो आप रास्ते में से चलते हुए उठा लें कि जी आओ तुम वो तमाम लोग वो लोग थे जो क्रेडिबल थे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे पीएनसीए के ऑलरेडी दो मीटिंग्स इसी चीज पे हो चुकी हुई थी कि जी ये जो पेंटिंग मिसिंग पेंटिंग की बात आती है टीवी पे चलती है अखबारों में आती है तो इसके पीछे कोई बुनियाद होगी इस बुनियाद पर उन्होंने 2016 में एक कमेटी बिठाई उस पर एक रिपोर्ट बनी लेकिन जैसे मैं बात कर करी हूं, जमाल शाह साहब जब डीजी रहे डीजी एज ए डी आए वो आए हैं अक्टूबर में ये FI, ये जो मीटिंग थी रिगार्डिंग लोगों से लेके तमाम गॉइज भी थे और पी एन सी से एज ए फेसिलिटेटर के इनको रिकॉर्ड वगैरह दिया जाए क्योंकि प्रॉपर इंक्वायरी थी तो मैं इस्लामाबाद पहुंची लाहौर से एंड यहाँ पे हमारे एक मेजर अवैध साहब हैं जिसने पीएनसी में यहाँ से रिप्रेजेंट आप थोड़ा सा पेशेंस इसलिए रखना पड़ेगा मुनीर साहब कि ये जब रिपोर्ट कंपाइल होती है बनती है जैसे कि एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है इसमें बड़ी मेहनत हुई का और सर्टन रिपोर्ट कंपाइल हुई जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली चीजों को विजुलाइज किया गया हर इन्वेंट्री जो पुराना आपका रिकॉर्ड है जिसके बारे में आप सब कहते हैं जी इतने साल से पेंटिंग्स थी और किसी को पता नहीं था एंट्री को स्ट्रीमलाइन किया गया कहने का मतलब उस कमेटी ने चाहे कोई चीज पीएनसीए की नेशनल एग्जीबिशन की इन्वेंट्री में या उसकी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है आर्टिफेक्ट उन सबको रिकॉर्ड किया गया उनकी पुरानी जो उनकी रजिस्टर्स थे उनकी रोशनी में कई चीजों चीजें मिसिंग थी लोगों ने पेपर्स उसके फाड़े हुए थे जो भी देखें हर अदारे के इंटरनल कुछ डीमंस होते हैं जिनको आपको फाइट करना पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मेरी कोई गलती है तो मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और आगे के लिए आसानी बनानी हमने वो पूरा डॉक्यूमेंट उसका तर्तीब यही था कि जी ये डॉक्यूमेंट अब आ गया है इसके बाद देयर विल बी अ सर्टन प्रोसीजर कि पेंटिंग्स आपकी प्रमिसिस से बाहर कैसे निकलेंगी पेंटिंग्स आएंगी कैसे कई लोगों ने क्लेम किया जी हमने पेंटिंग्स दी नहीं है हमें मिल नहीं रही आपको वो पेंटिंग्स क्यों नहीं मिल रही जितना वो इदारा जिम्मेदार है उतना आर्टिस्ट भी जिम्मेदार है ادارے का फर्ज है कि अगर मैं किसी नुमाइश के लिए पेंटिंग्स मंगवाती हूं तो मेरा फर्ज है कि मैंने वो तस्वीरें वापस करनी है ये कोई ऐसा कोई आ, 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 वो तो नहीं है आ, मतलब आ, आ, क्या उसको कहेंगे अभाम कि जिसमें आप पकड़ ना सकें मैंने एक नुमाइश की है तो मैंने चार लोगों को कहा कि जी मुझे तस्वीर चाहिए उस पर मेरा दस्तखत है तो इसमें जिम्मेदारी आयद करने की तो कोई बात ही नहीं है जिस शख्स ने वो दस्तखत किया है और उन लोगों को दिया है कि जी आपकी मुझे तस्वीर चाहिए वो शख्स जिम्मेदार है अगर आप एक पोजीशन पर हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ पैशनेटली डिटर्मिंड हैं आप फर्ज है कि आपने काम लिया आपने अगर काम नहीं दिया वह तो आप रिस्पॉन्सिबल आप तो कोई दूसरी बात नहीं अगर मिसिंग पेंटिंग जो अभी तक हम क्लेम करते हैं कि जी आर्टिस्टों ने बड़ा बदनाम किया हुआ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स को कि जी वो कहते हैं कि जी ये तो इसकी तो किस्मत ही ऐसी है कि इधर तो आप दे ही ना गवर्नमेंट के अदारे ऐसे चलते हैं आप काम दें काम वापस नहीं आता बात ये नहीं है काम आर्टिस्ट जो इदारे के अंदर लोग बैठे हैं वो कौन है आर्ट को जाने वाले हैं अगर तो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उनकी बनाएंगे, उनको करेंगे, नुमाइश करेंगे फिर आप ही कर रहे तो वो लोग उस टाइम के लोग हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट जहां तक शमजा की तस्वीरों का ताल्लुक है ये केस जब सरफेस पे आया है तो वही वाली बात जो कि हम सब कह रहे हैं और जो मेरी नॉलेज में भी था 2016 में जमाल साहब ने एक लेटर फॉरवर्ड किया मैं नहीं एक एक चीज एक चीज ना जाना सो आप बार-बार 2016 बार की, बार -बार की बात कर रही हैं मैम आप बार-बार 2016 की बात कर रही हैं जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं ये 35 साल से लटका हुआ है वो 85 से जो मैरी शमजा हैं वो अपने हस्बैंड की पेंटिंग्स क्लेम कर रही हैं और उसने वो पेंटिंग्स मुस्तार दी थी कर्जे के तौर पे लोन के तौर पर दी थी उसका कोई कागज आप लोगों ने साइन किया होगा कोई आपके रिकॉर्ड में मौजूद होगा ये 2016 में आप कह रही हैं लेकिन ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है राय का और फैक्ट्स का देखिए ठीक है जी जी आ, वीडियो वीडियो बंद बंद करते हैं ताकि आवाज आए करें जरा जी आप जरा रिपीट कीजिएगा हम आपकी वीडियो बंद कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही हमें अब हमने आपकी वीडियो बंद की है अब जरा दोबारा से जो मेरा सवाल था कि ये जो फैक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है कि एक डी जी साहबा ये कह रही हैं कि ये 35 साल से पेंडिंग है 85 से पेंडिंग्स मांग रही हैं आप जो बात कर रही हैं वो दो हजार से कहानी शुरू हो रही है तो ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा जरा मुझे बताइए प्लीज देखें मैं आपको ये बात इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं कभी भी उस टाइम की बात नहीं करूंगी हेयर से पे कि मुझे किसी ने कह दिया देखिए मैं उस टाइम पर अगर मौजूद नहीं थी जिस वक्त मियाँ इजाजुल हसन थे नईम ताहिर थे या उस वक्त के जो लोग उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने वो नुमाइश रखी देखी जो कि अपने मुँह से कह रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी से कह रहे हैं कि जी इधर नुमाइश हुई हम लेकर आए मैं उस दौर में उस टाइम में मौजूद नहीं थी मैंने कोई कहानी तो नहीं सुना रही ना सही। अपनी आ, आ, बच्चों को कोई तो नहीं करी जो मैंने, देखी, जिसकी पे मैंने फैसला करना था और जब वो फाइल मेरे सामने आई जिसमें मैंने पुराने लेटर्स भी देखे अपने दफ्तर के लोगों से भी मैंने पूछा और जमाल साहब के साथ मेरी एक इंटरक्शन हुआ जिसमें मैंने उनसे ये बात पूछी कि सर अगर आसमा जहांगीर ने एक लेटर लिखा है हमें इसमें देखिए हमारा काम है ये हमारे कोई घर की बात नहीं है हमने इस इदारे में लाइन बराबर करनी है जो भी पुराने अभाव हैं उनको दूर करना है अगर उनकी तस्वीर हैं एंड देर इज अ प्रॉपर ट्रैक ऑफ देम कोई रिकॉर्ड है तो हमें कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि आप ये तस्वीर उनको वापस करें लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए Being a visual art director, I will take my responsibility. अगर मैं किसी कागज पे दस्तखत करती हूँ या मैं कोई चीज किसी के हवाले करती हूँ तो मुझे उसका जवाब दे होना है आज नहीं आज से दस साल बाद भी जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसकी responsible हूं क्योंकि ये मेरे कोई घर की भी नहीं है ऐसी। ये एक हकुमती तो हम कहा से लेके आते वो वो इतना अर्सा अब वाली बात है कि जी आप पैंतीस साल से पूछ रहे थे तो वो कौन लोग थे जो और उनका क्या इंटरेस्ट था इसमें कि उन्होंने ये तस्वीर हवाले नहीं की तो मैं यहां में अपने टाइम से बात शुरू करती हूँ कि जब वो लेटर आता है आसमा जहांगीर का ज, आ, जैसे जमाल साहब ने खुद भी कहा उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि रुखसाना मेरी क्लास फेलो है जो कि उनकी नीस है और वो ऐसे बात करिए मैंने कहा जमाल साहब आपकी बिल्कुल आ, आ, क्लास फेलो होंगी मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अभी तक अगर ये चीज जो पुरानी फाइल है वो ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ने इसमें इंटरवीन किया है डिफरेंट uh, मतलब लाइक like उन्होंने किया 2007 में हमने इसका uh, वो निकाल दिया था एक कैटलॉग uh, uh, बन के नईम ताहिर साहब ने निकाला था उससे पहले 2010 में uh, uh, 2010 में उसके बाद इन्होंने जब ये पहली दफा ये चीज इस तरह से सामने आई तो उस जमाने की जो भी डायरेक्टर थी उन्होंने यही लिखा कि जी बाईस साल से किसी ने इस चीज पर बात नहीं की हम तो कोई बात नहीं कर रहे अपने से हमारे सामने तो कागज है एक पेपर है लिखा हुआ है एक इदारे का जिम्मेदार ग्रेड 19 का ऑफिसर लिख के दे रहा है मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री का एक जिम्मेदार अफसर लिख के वापस भेज रहा है कि इतने सवालात का हमें जवाब दीजिए कि अब तक ये क्या हो रहा था देखिए ना क्योंकि देखिए जब आप किसी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं तो आपको बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है आसमा जहांगीर जैसी खातून लिख रही है ये कोई अंधे तो नहीं बैठे हुए यहां पे या ठीक है अब तक जैसे भी लोग चला रहे थे लेकिन जब लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब लोग बातें करने शुरू हो गए तो वी शुड पुट द रिकॉर्ड राइट Right. हमने उनको इन्फॉर्म किया कि जी आप हमें सर्टेन प्रूफ दे दें उसके बाद खामोशी हो गई हम्म hmm. उसके बाद फिर ये चैप्टर क्लोज हो गया ये In आप, आप वे, 2000 साल की बात हमें Uh, मैम ये आप 2016 की बात कर रही हैं आसमा में ये आसमा जहांगीर के खत की बात आसमा जहांगीर के खत की बात कर रही है ये 2016 की बात इसी तरह, तरह पहले भी लेटर्स जी इससे पहले भी लेटर्स जो अगर इन्होंने कहा भी है हुँ. पहले देखें ना मैं तो कोई किसी को गलत सही नहीं साबित कर रही मैं तो अपनी जस्टिफिकेशन दे रही हूं कि मेरे पास एक फाइल है जिसमें सर्टन लेटर्स हैं और वो ये इस चीज को कंफर्म करते हैं कि मिनिस्ट्री ने सर्टेन बातों के सवाल पूछे हैं अब आप उसके जवाबात बनाए टाइम पास होता जा रहा है वी आर बाइंग दिस टाइम और आप इसमें जो भी कोई आ रहा है उसकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले पुराना कचरा आप साफ करें पुराने सवाल के जवाब दें आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी हम पुरानी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है हम अब यहां से शुरू करेंगे आप यहां से नहीं शुरू कर सकते और अगर आप करते हैं तो फिर यह होता है जो अब हो रहा है देखिए mm -hmm. हम तो मैं एक चीज की जस्टिफिकेशन बिल्कुल देती कि देर वर सर्टन रीजन के एक सर्टन टाइम पीरियड तक इसकी कोई खैर खबर नहीं थी mm -hmm. इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ मेरा रीजन क्या था इन तस्वीर को देने का ना देने का मेरा रीजन ये था कि भाई अगर आप इतने अरसे तक एक चीज को दे देते हैं हवाले कर देते हैं और शमजा की पेंटिंग सिर्फ पीएनसीए के पास नहीं है अल हमरा के पास भी हैं प्राइवेट कलेक्टर्स के पास भी हैं नेशनल क्या कहते हैं एनसीए के पास भी हैं जिनको बेचना चाहती थी उनको उन्होंने बेचा है जिनको देना चाहती थी उनको दिया है

कि इन्होंने आर्ट के हवाले से बहुत सरपरस्ती की है लेकिन हम मिक्स कर देते हैं, हैं। है, विजुअल एंड है आप विजुअल एक्सपर्ट्स जिनका इस फील्ड में तजुर्बा है सारे उम्र की रियाजत है जब तक वो इस चीज को हैंडल ना करें आप इसको ऐसे ही नहीं हैंडल कर सकते फॉर से अभी मैं मैं सुन रही हूँ सारी बातें जी बीओजी ने फैसला कर दिया देखिए ना हमारी एक तहकीक होनी है एक तहकीक हमने करनी है हमने ये चीज किसी को अगर हम दे रहे हैं तो हम आंसरेबल है ना हमें उसमें खफा नहीं होना चाहिए हमें इसको बिल्कुल अब जैसे ये कह रहे हैं कि जी लैब में चला गया इसको प्रूव करें फोरेंसिक फ्र, करें हर चीज का मालूमात करें आपके पास कागज है और फिर अगर ये जस्टिफायबल है तो इसमें इतना Uh, uh, इसको इसकोटली uh, uh, करने की जरूरत क्या है क्वाइटली से मुराद ये है कि जो राइट right लोग हैं जो इस इधारे के uh, मतलब लाइक स्टेक होल्डर्स हैं आर्टिस्टों का हक है ये प्राइवेट गैलरी नहीं है ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है और ये हम इसको नेशनल गैलरी के तौर पे कहते हैं तो आर्टिस्टों की हुई ना मतलब सही? अगर आर्टिस्ट के बीच में हकदार नहीं है तो ये ना ब्यूरोक्रेट्स की है ना कोई प्राइवेट कलेक्टर्स uh, की है ये तो एक नेशनल गैलरी है और उसमें सारे नेशनल आर्टिस्ट का हक है उनको बात करने का हक है उनको क्वेश्चन करने का हक है और हम इफ वी आर रिप्रेजेंटेटिव हमें उनका जवाब देना है वी आर आंसरेबल जब तक हम अपनी ये अखला की जिम्मेदारी नहीं अदा करते वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अब अगर ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका क्वेश्चन मैं तो खामोश हो जाती हूँ वो कहते हैं जी अगर आपने ये तस्वीर उनका हक था तो ये कागजात पहले क्यों नहीं निकले लोगों को क्या भ्राम थे क्यों नहीं देना चाह रहे थे क्या क्या इसको किसी ने बेचना था वजह थी और उसके हमें आप जस्टिफिकेशन तो ये इतनी खामोशी से आप उन सब लोगों को भी शामिल कर देते एक ये तो इतने ऑनर की बात है जब हम क्लेम करते हैं कि जी पैंतीस साल के बाद कोई बहुत बड़ा खजाना हमने अपने हाथों से दे दिया है तो हमें तो फॉरन ऑफिस को हमें तो मिनिस्ट्रीज को हमें तो इसको बैंड बजा के देना चाहिए कि जी हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं अच्छा मैं मैम मैं एक यहाँ पे थोड़ी सी एक सवाल मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ मुझे ये बताइए कि हसन साहब से मेरी कोई दो तीन दिन पहले बात हुई उन्होंने कहा कि उन्नीस में वो इसके आई विटनेस हैं ये पहले एनसी में होनी थी फिर अलहमरा में हुई हंड्रेड प्लस पेंटिंग्स थी जिसमें मेरी शमजा ने खुद दस पेंटिंग्स जो हैं वो नेशनल आर्ट गैलरी को दी और उस वक्त इसकी प्राइस कोई चार हजार पाँच हजार रुपया थी एक मौजूदा डायरेक्टर जनरल जो हैं इस वक्त पी ने जो कल अपना एक स्टांस रिलीज किया है उसमें उन्होंने गुलाम रसूल जो सबक का डायरेक्टर जनरल थे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के उनका एक खत का भी जिक्र किया है जिसमें गुलाम रसूल साहब ने चालीस हजार रुपये ऑफर किए थे मेरी शमजा को अब उन पेंटिंग्स के एवज में तो ये क्या एक चीज नजर आती है इस पे एक सबक डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि उन्होंने शायद आ, आ, इस तरह से किया क्योंकि उसके वक्त पेंटिंग्स की जो उनकी कीमत थी वही चार हजार पांच हजार हर पेंटिंग की एक कीमत थी तो उन्होंने कहा होगा कि इतने पैसे तो हमें चूंकि ये आर्टिस्ट है पाकिस्तानी आर्टिस्ट है इतने पैसे हमें दे देनी चाहिए एक ये स्टांस है लेकिन मौजूदा डायरेक्टर जनरल जो है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की वो ये कह रही है कि ये इस बात का सबूत है कि हम पेंटिंग्स ओ करते थे आ, आ, मेरी हमजा को आ, मेरी शमजा को तो इसलिए इस उस लेटर को बुनियाद बनाकर उन्होंने इस केस को वो परसू किया है और वो बार बार ये कह रही हैं कि ये पैंतीस साल पुराना है केस है रेड टेपिजम का शिकार था और ये ग्रॉस नेग्लेजेंस थी जो मुतलका अहलकार उस वक्त थे Uh, जिसमें डायरेक्टर जनरल भी और डायरेक्टर नेशनल आर्ट गैलरी भी वो सबको ठहरा रही हैं इस इस चीज को को लेटर बुनियाद बनाते हुए देखिए आपकी सिर्फ इसी बात पे मैंने ये आ, 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 एक तरह से जसारत की है बिकॉज जब आप लपेटते हैं किसी को तो फिर सब लोगों को आप लपेट लेते हैं विच इज रॉन्ग देखिए हर शख्स शक... एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे रिस्पांसिबिलिटी hmm. हम कभी भी कोई पोस्ट जो है वो छह लोगों जिम्मेदार अगर कोई है, तो वो अपने पर अपनी जिम्मेदारियों का जवाब दे है अगर कोई डायरेक्टर है तो अपने टाइम पीरियड के किए धरे का वो जिम्मेदार है ये उसका काम है जैसे हम कहते हैं जी बीओजी बीओजी में आप कल्प्रिट uh, ठहरा दें चेयरमैन को और आप कल्प्रिट ठहरा दें uh, uh, अपने हेड्स को बीओजी को चीजों की क्लियरेंस देना बीओजी के मेंबर्स को इस पॉइंट पे लेके आना देखें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यू कैन नॉट से मैं अपनी फाइल लेके चली जाऊं चेयरमैन के पास और मैं कहूं जी मैंने सारी तहकीक की भी है अब वो एक ट्रस्ट का लेवल होता है अगर आप किसी को डीजी बनाते हैं किसी डायरेक्टर बनाते हैं तो आपका एक लव आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर होती है और वो क्रेडिबिलिटी किसी की वजह से नहीं होनी चाहिए आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज यू शुड बी ऑफ दैट एक्शन कि भाई आपने शायद तहकीक पूरी नहीं की आपने लेकिन ये कह देना कि जी चूंकि मैंने ये काम किया बाकी सारे लोग गलत हैं दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग मैं समझती हूँ जो भी उस टाइम पीरियड के डीजी से अपना गुलाम रसूल की मैं बात करूंगी वो डायरेक्टर थे उस उस टाइम पीरियड में मेरा ख्याल है डायरेक्टर जनरल्स नहीं होते थी। थे ठीक है डायरेक्टर थे तकरीबन जितना जो मलबा डाला जाता है क्योंकि वो बेचारे गुजर गए टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्हीं के लेटर हेड्स भी निकलते हैं उन्हीं के नाम से कागजात भी निकलते हैं और मेरे इस 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 चीज में इनहिबिशन को एक और चीज से तकवीत मिली एंड आई मस्ट शेयर इट विद एवरीवन कि मैं शाकिर अली म्यूजियम में जब थी तो मुझे इसी तरह से Uh, uh, एक लेटर आ गया देखिए ना बुनियाद बनती है एक पहली मुझे लेटर राइटिंग होती है जिसमें कहते हैं और मेरे पास वो लेटर मौजूद हैं हमारे उस वक्त की डायरेक्टर जो विजुअल आर्ट की हैं वो मुझे खत लिखती हैं कि जी अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ये एक पेंटिंग है जहूर इखलाक से लोन ली गई है शाकिर अली की और वो इस वक्त शाकिर अली म्यूजियम में है तो यू पेंटिंग वापस करें जो उसके ओनर्स हैं अब पहले तो मुझे जब ये खत आया ये इतना कोई आ, हल्का लेटर था कि मैंने इसका जवाब लिखा कि ना मैं उस वक्त मौजूद थी गुलाम रसूल के टाइम पे कि मैंने ये पेंटिंग ली और ना मैं इसकी विटनेस हूँ डायरेक्टर उधर बैठा हुआ है जिसने ये सारी आ, कहानी इधर भेजी है उसके पास फैसला है तो डीजी साहब डायरेक्टर से पूछे और इसका फैसला करें उसके बाद मुझे दूसरा लेटर आता है कि जी ये पेंटिंग लोन ली गई थी जहूरखलाक से तो अब उसको वापस की जाए या इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाए उसका जवाब भी मेरे पास मौजूद है मैंने उनको लिखा कि पहले तो मुझे आप ये लेटर दिखाएं कि जी क्या ये लोन ली गई थी और अगर लोन ली गई थी तो उसको एक्सटेंड करने का जो आप मुझे रीजन दे रहे हैं पहले तो आप मुझे ये बुनियाद बताएं कि क्या है उसके जवाब में मुझे कुछ खतूत इसी तरह से बेचारे अल्लाह मफरत कले गुराम रसूल साहब को उनका एक लेटर आया जिसमें जस्टिफिकेशन हजार हैं उनका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल फ्रेशली हुआ हुआ है और कागज इसी तरह से लेटर हट उनके टाइम का है जिस पे वो कहते हैं हैं वही इकरार कर रहे कि मैं लेना चाह रहा हूं मैं रखना चाह रहा हूं भाई हमें वो जो पार्टी क्लेम कर रही है उस वक्त का उनका भी कोई दस्तखत चाहिए ना आप अपनी इतनी कीमती शाकिर की पेंटिंग दे रहे हैं तो बुनियाद अब आज से बीस साल के बाद वही लेटर बुनियाद बन जाएगा कि जी दो इतने में हमने कहा था और गवर्नमेंट ने हमारी चीज रख ली और और हमें दी नहीं बात बड़ी सिंपल है जिन आर्टिस्टों की पेंटिंग्स किसी भी नेशनल इदारे में एक दफा दाखिल हो जाए अगर वो इस गर्ज से आई हैं कि नुमाइश के लिए आई हैं तो उसके बाद वापस हो जानी चाहिए और उ... उसका पूरा जिम्मेदार वो शख्स होना चाहिए जिसने नुमाइश के लिए मंगवाई और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए अगर वो रिकॉर्ड भी जल गया है कोई कहानी भी नहीं है तो फॉर हेयर से तो नहीं हम उठा के लोगों को पेंटिंग दे सकते मिसाल के तौर पर ये अपना अल्लाह बख्श और चुपताई का कुछ काम लिया गया hmm. एक साथ उनका नवासा था ग्रैंड सन था क्या था एक टाइम पीरियड में पीएनसी ने बीस पेंटिंग्स खरीदी चुकताई की अब आर्टिस्ट एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जी फेक तस्वीरें भी निकल रही हैं सब कुछ हमें कोई प्रूफ दिखाएं कोई कमेटी बनी थी ऑल इन ऑल कौन था ये कोई मामेजी का घर तो नहीं है कि दुकानदारी चल रही है आप अपना लोगों से पेंटिंग्स खरीद कल को फेक का क्वेश्चन हो जाता है तो कौन रिस्पांसिबल है आप बिलीव नहीं करेंगे मैं जो अपनी बात कर रही हूं نہایت वसूख से कर रही हूं बिकॉज़ मेरी एक क्रेडिबिलिटी है मैंने इतने टाइम पीरियड में अगर पा... पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में काम किया है तो आई हैव फोर्थ थिंग कि नेशनल ادارے को नेशनल ادارے के तौर पे समझा जाए इसको प्राइवेट गैलरीज की तरह ना ट्रीट किया जाए और इसमें काबिल जिसको कहते हैं ना एक्सपर्ट रखे जाएं जो कि अपने काम को समझते हैं ये कोई इवेंट बेयरिंग चीज तो नहीं है अब नेशनल एसेट है आपको उसमें लोगों को एजुकेट करना है जैसे दुनिया जहान की गैलरीज में होता है अब आप मुझे बता दें कि नेशनल गैलरी ऑफ द आर्ट्स इतना बड़ा नाम और जो भी कुछ है उसको चलाने वाले कौन लोग हम आर्टिस्ट ही हैं ना मैं, मैं अपनी जिम्मेदारी मैं, 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 मैं आप आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जो शख्स पेंटिंग्स ले रहा है उसको वापस करने का भी उसी को जिम्मेदार होना चाहिए और दूसरी बात जो आपने की कि पेंटिंग्स लेने और जाने का कोई मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए मैं ये जानना चाहता हूँ मौजूद है फाइन अब, फाइन मौजूद है।, है मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने इसका मतलब यह है कि आप एक बात ये कहना चाहती हैं कि आप के जमाने में इस तरह के जो भी वाकत और जब आप आसमा जहांगीर साहबा ने जो मारूफ एडवोकेट और सारी आ, राइट्स के हवाले से जानी जाती हैं जब उन्होंने लेटर लिखा और आपने प्रोब की तो आपको पेंटिंग्स के मुस्तार लिए जाने पर या लोन लिए जाने की कोई डॉक्यूमेंट ऐसे नजर नहीं आए एक बात दूसरी उससे पहले आ, आपको कोई इस तरह की बात होती हुई भी नजर नहीं आई कि जिसमें मेरी शमजा जो है वो अपने हस्बैंड की आ, पेंटिंग्स क्लेम करती हुई नजर आती हूँ तो वो नहीं आई ना उनके कोई नहीं, मतलब, मतलब, मतलब कोई, कोई को लिखा गया हो उनकी तरफ से क्योंकि देखें मेरी बात सुने जो ज्यादा जो ऑथेंटिक बात होती है कि तो उसकी बीवी बरह रास्त क्लेम करती हुई नजर आए तो बावसूख यानी मुसदा वो चीज नजर आती है उसके बच्चे क्लेम करते हुए नजर आए तो कोई मुसदका बात नजर आती है अगर कोई नीस क्लेम कर रही है कोई आ, आ, नेफ्यू क्लेम कर रहा है कोई भांजा भतीजा दोस्त कोई और रिश्तेदार के तो जैसे जैसे जब आप क्लोज बाय फैमिली से बाहर निकलते हैं फैमिली से बाहर निकलते हैं तो ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लेम जो है वो मुतासर नहीं होती मैम देखें वो तमाम चीजें मुतासर होती हैं हमारा तो सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारा ये पॉइंट है कि बड़े लंबे अरसे तक 22 साल तक इनिशियल इस चीज को सरफेस नहीं किया गया ठीक है जिसके भी उसमें मोटिव से वो हमें समझ से बाहर है सही ठीक लेकिन 22 साल के बाद इनके खतूत भी नजर आ जाते हैं इनके लेटर्स भी नजर आ जाते हैं क्योंकि जाहिर है आप क्वेश्चन करते हैं सर्टेन चीजों को वो लेटर्स बाहर आते हैं उस टाइम के लोग मतलब हम सब आंसरएबल हैं असलन तो अगर देखा जाए तो वी ऑल आर आंसरएबल आप

के जब आप शाकिर अली म्यूजियम में काम कर रही थी तो गुलाम रसूल का, आ, मैं, आ, अगर तरह का, का लेटर हूं, तो इसी तरह का लेटर गया इसका मतलब ये है कि वो उसमें आप कह रही हैं कि जो दस्तखत थे वो एक तो उसमें आए बाएं शाये बहुत ज्यादा थी और दूसरी दस्तखत जो थे वो फ्रेश नहीं, तो नहीं। फ्रेंड अच्छा मुनीर साहब आई बी वेरी प्रिसाइज लेटर था उसमें उनका दस्तखत था हुँ. जो कि बिल्कुल आ, मतलब जाहिर है वो हम ये भी कह सकते हैं कि जी चूंकि वो पेन का था वो रह गया बाकी हुँ. चीजें चूंकि टाइप थी वो फेड हो गई कुछ भी कहानी आप दे दें उसमें बट कहने का मतलब है कि ऐसी चीजों को आप सोते में जाग के तो नहीं कर लेते ना आप अपना आप इस वक्त ये एग्जाम्पल साइट करने के बाद आप गुलाम रसूल का वो वाला लेटर जिसको मौजूदा डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स एक सबूत के तौर पर पेश कर रही हैं आप उसको चैलेंज कर रही हैं डू यू नो इट नहीं मैं चैलेंज देखें चैलेंज हाँ। मैं सिर्फ अपनी जो मेरे पास हकीकत है जी। मैं उसको बुनियाद बनाकर अपनी Uh, जो मेरी इतनी सेंसिबिलिटी uh, uh, हो गई और मेरी इतनी अवेयरनेस है एंड वो कहते हैं ना सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है आई एम बिकॉज़ इतने ब्लेम्स एंड क्लेम्स हो चुके पीएनसीए के ऊपर व्हाइल आई वाज डायरेक्टर पीएनसीए देयर आप इससे अंदाजा लगाएं कि मुझे सादकेन के जो भांजे भतीजे हैं वो मुझे बाकायदा लेटर भेजते हैं जिसमें सादकेन की पेंटिंग की तस्वीर है और वो पेंटिंग सोदबीज में बिकी है उसमें उसमें का दस्तखत है और जो पेंटिंग हमारी पी की गैलरी में इस वक्त पड़ी है उसमें दस्तखत नहीं है तो मैं तो मुझे लगता था कि मैं तो एक ऐसे झत्ते में बैठी हुई हूं कि मेरा हर एक्शन शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव एंड आई वुड नॉट अलाउ दैट कि भाई मेरी मौजूदगी में बल्कि मैं इस चीज को भी मैं कहती हूं कि मैंने बड़े पर्टिकुलरली ये बात की थी कि ये बात जो हो तो इसको बड़े विजडम के साथ आप लोग करें आप अगर एक ये जो कहते ना कि जी बाकी भी क्लेम करेंगे कल को हम एक प्रेसिडेंट तो सेट कर रहे हैं ना सब कर दिया है कर का दिया का है।, है।, कर नहीं रहे हमने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कल को साधकैन का भांजा जो अमेरिका में है वो पहले बहुत अपा हुआ है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स और नेशनल आर्ट गैलरी पे कि आपने असल पेंटिंग्स निकाल कर बेच डाली

हमारे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स के ही लोग थे उस टाइम पीरियड के वो भी आपको पता चल जाएगा जिन्होंने अलाउ किया कैमरामैन विद दिस पीपल आप मुझे बताएं दुनिया में कहीं आपने सुना है कि आपकी प्राइवेट कलेक्शन को आप एक आउटसाइडर को कैमरा देके कहें कि आओ तुम साथ कैन की फोटोज बना लो आपकी परमानेंट कलेक्शन जहां पर इतनी फोर्जरी हो रही है हाउ कैन यू अलाउ दैट वो जाके उन्होंने सबकी तस्वीरें बनाई और किताबें छाप दी अब देखें बात तो कोई भी कर सकता है सारी दुनिया में होता है डुप्लिकेट्स बनते हैं, बिल्कुल बनते। सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही। जो, कुछ गैलरीज मैंने भी इंटरनेशनली विजिट की हैं वो आपको कैमरा नहीं लेके जाने देते आपको किसी तरह से भी exactly. वो नहीं लेने देते क्योंकि वो मास्टर पीसेज होते हैं ताकि कहीं वो रेप्लीकेट ना हो सके उनके रेप्लिकाज ना बन सके ये बिल्कुल सही बात है एक और सवाल जो मैं जानना चाहता हूं बाद में फिर मैं इसी जो फेक वाला काम है इसके ऊपर मैं बात दोबारा करूंगा मैं एक अपने नाजरीन के लिए जानना चाहता हूं कि जब आप किसी से पेंटिंग मुस्तार लेते हैं लोन लेते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है उसका प्रोसेस क्या होता देखे, है देखिए लोन लेने लोन ऐसे तो नहीं होता कि मैं एनी टॉम हैरी को कि तो मुझे अपनी पेंटिंग लोन दे दो क्यों दे दो लोन या तो ये होता है कि वो इतने सीनियर हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल एसेट्स होते हैं जैसे गैलरीज में होता है फॉरेन कंट्रीज में होता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट का होता है कि गैलरीज टू गैलरीज म्यूजियम टू म्यूजियम आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि जी ये एक चीज उसको लोन कहना कोई मजाक नहीं है उसकी नहीं। पता नहीं कितनी उसकी इंश्योरेंस होती है ताकि आप वो उन ऑडियंस को उन लोगों को वो तस्वीर दिखा सकें

जो बचा हुआ कौमी असासा है उसके लिए हमें कोई तरीका कार कारवेलप करना होता है और वो यही होता है देखें, ये जो हम कहते हैं ना एक सर्टन प्रोटोकॉल है कि जी आप अब हम, हमने जो तरीका कार रखा कि जी आप अगर पेंटिंग्स लाना चाहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में सपोज हम ही आपसे मंगवा रहे हैं नुमाइश के लिए आप उसकी हमें तस्वीर उस पेंटिंग का साइज आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर जो लेके आ रहा है तमाम इंफॉर्मेशन आप पहले एंट्रेंस में देंगे अप्रूव होगी यहां से जो हमारा पी का नुमाइंदा है वो अपने तमाम पर्टिकुलर्स के साथ उसको रिसीव करेगा ये नहीं होगा कि जी डायरेक्टर ने कहा था कि तस्वीर दे दो अटेंडेंट ने उठा के तस्वीर गैलरी से बाहर निकाल दी कोई उसका पास बनता है कोई प्रोटोकॉल होता है तो ऐसी बातें मजाक नहीं है और ये ड्रामे होते रहे हैं पीएनसीए में मेरे टाइम पीरियड में भी फला की दो तस्वीरें गायब हो गई उसके पांव आ गए के वो गायब हो गई अंदर से किसी की शैतानी होती है और कुछ लोग ऐसे हमारे हैं जिनके कारोबार बंद हो गए उनके उनकी तो एक दुकान चल रही है भाई आप डेफिनेटली आप पीएनसीए को एज ए प्राइवेट गैलरी नहीं डील कर सकते आप अपनी अपनी गैलरीज में ये काम कर सकते हैं लेकिन नेशनल एसिड के हवाले से आप ये बयानबाजी नहीं कर सकते अब इसमें मैं सिर्फ थोड़ी सी ये बात यह कहती हूँ कि मेरा जो भी मेरी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे या मेरा जो भी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड था और वेरी पर्टिकुलर मैं एक तरह से आप एक सर्टन माफिया से फाइट कर रहे होते क्योंकि देखें जिसके पास आंखें हैं वो तो देख रहा है वो सवाल भी करेगा जिसके पास इखला जरूरत है वो खड़ा भी हो जाएगा बगैर किसी नतीजे का परवाह किए हुए लेकिन जिसके पास ये दोनों दौलतें नहीं हैं आपको तो ऐसे ही लोग सूट करते हैं आप हम अपोजिशन को बुरा कहते हैं हालांकि अपोजिशन हमारे लिए ही होती है जो so, हमें सिखाती है कि हम अपना केबला दुरुस्त रखें बिल्कुल ठीक मैं एक अब एक और अब, बात आपसे करना चाहता हूं मुझे ये बताइए कि इतनी इंपॉर्टेंट आर्ट ट्रेजर के बारे में एक आम सा जो बोर्ड है अभी अगर हम नाम उसके अंदर देखें जो मौजूदा बोर्ड है उसमें कोई एक दो नामों के अलावा कोई बहुत बड़े नाम नहीं है जो आर्ट से रिलेटेड हूँ या परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हूँ वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुझे कोई अपने बोर्ड के अंदर डाल ले मेरी कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की रेप्यूट है और मैं किसी चीज में एक्सपर्ट तो नहीं हूं क्या इस लेवल का बोर्ड जो है वो इतना बड़ा फैसला कर सकता है एज एक्ट फॉर्मर डायरेक्टर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ ने आर्ट आप क्या फरमाती है देखें देखें मुनीर साहब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी बोर्ड बनाता है वो कुछ चीज़ों को बिल्कुल अपने माइंड में रखता है और हमारे जो चेयरमैन हैं मैंने भी अपना टाइम टेन्योर जितना मेरा वहां पे था बहुत थोड़ा सा टाइम था और वो चूँकि मिनिस्ट्री शिफ्ट हुई थी समझने समझाने में ही वो वक्त गुजर गया लेकिन मैं समझती हूँ कि शफक़त महमूद साहब की एक अपनी बड़ी ठीक ठाक क्रेडिबिलिटी है और जो भी उन्होंने लोग मुतिन किए होंगे या जो सजेस्ट किए हैं पी के लिए हमारी नज़र से गुजरे हैं उसमें सिर्फ मेरा एक ये है कि देखें नाम बोर्ड के बड़े वजनदार नाम है नियरली दादा किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है नहीं मैंने यही कहा ना कि चंद चंद एक मैंने यही कहा है कि कुछ नाम बड़े मोतबर हैं और कुछ तो मेरे जैसे ही नाम है कोई इतने ज्यादा वो अहम या लेकिन उन... देखें वो उन नामों के कैलिबर मैं वही बात कह रही ना मैं सॉरी आपकी मैं समझ रही मैम इसमें ना बोर्ड के मेंबर्स को कांटेस्ट नहीं कर रहा मैं मेरा जो हाँ। सवाल का जो क्रक्स है वो ये है कि इतने अहम फैसला जो है क्या वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का बोर्ड जो है वो कर सकता है या इसको किसी और हायर लेवल के ऊपर इसको लेवल पे होना चाहिए था मैं, मैं इसमें इस, बिल्कुल ठीक है मैं वहां पर आपके आपकी बात से इतफाक करती हूँ कि बोर्ड यूजली क्या करता है देखिये अभी जैसे हमारा पंजाब का अलहमरा आर्ट काउंसिल का बोर्ड है उसके भी बेतहाशा मेंबर्स हैं हर फील्ड ऑफ लाइफ से हैं बोर्ड्स में होता यही है कि जो भी कोई इशू होता है ना बर्निंग इशू आर्ट से कल्चर से मुताल जो अगर इस लेवल का बोर्ड है आप वो इश्यूज पे पहले प्रोव करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन पूरी करते हैं ताकि कल को कोई क्वेश्चन ना करे क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने सवाल का जवाब नहीं देना यू आर ऑन्सरेबल क्योंकि ये कोई घर का अपना प्राइवेट कंपनी का बोर्ड तो है, है नहीं ये तो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड है उसमें आपको हर एक सवाल का जवाब देना है यू आर आंसरेबल टू इट यू आर आंसरेबल टू पब्लिक आप बोर्ड मेंबर्स को या तो इतनी विजिलेंस हो के जी आप एक वन स्टोरी तो आप ले ही नहीं सकते ना आप कैसे समझते हैं कि से कोई uh, uh, क्या, कोई क्या के सोया हुआ हैं, time, एक दिन में तो नहीं घूमी ना ओवर दस घुमी है उस इशू को अगर हशश किया है हम, कि अगर वो इसको टेक ऑन करें हम चाहते हैं कि हमारा लूटा हुआ असासा वापस आए हम तो ये चाहते हैं हमारे सबके हाथ पांव इस चीज की तरफ होने चाहिए कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में अगर कुछ डेयरिंग लोग मौजूद हैं तो हम उनका साथ दें और उनको गाइडेंस ऐसी दें उनको वो वो फैक्चुअल सिचुएशन उनको बताएं जो कि तभी हो सकती है कि व्हेन यू डोंट हैव योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट बोर्ड का मेंबर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होती अभी आप मुझे बताएं कल्चर के हवाले से एक्सपर्टीज होना एक डिफरेंट बात है लेकिन के हवाले से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का जो भी मतलब बोर्ड बनता है उसमें या तो आपको सारी इनर स्टोरी का पता हो कि जी अंदर की कहानी क्या है hmm. आखिर एक अदारा इतने अरसे से चल रहा है उसकी कोई फाइल है उसका कोई डॉक्यूमेंट है उसकी मिनिस्ट्री पूरी शिफ्ट हुई है इंफॉर्मेशन से वो हेरिटेज में आ गई है वो हॉपी करती रहती है इंफॉर्मेशन में चली जाती है रीजन क्या है क्या पॉलिटिकल रीजन हैं क्या इसके बीच में मसला क्या है कि जो भी कोई फाइल निकलती है वो कहीं पहुंच क्यों नहीं पाती ये हेर से क्यों है और ये तभी होता है कि जब आपके जहन में अभाम हो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन फॉर मतलब कि जी उसने ये कह दिया तो इस पे हमारा यकीन हो गया हमारे फैक्चुअल रिकॉर्ड है अगर आपके पास वो ये फैक्चुअल रिकॉर्ड मौजूद था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मौजूद था आपको डरने की क्या बात है मुझे आज कागज रख के सामने पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरा सच मेरे दिल से बोल रहा है बिकॉज आई हैव suffered ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल सही व्हाई शुड आई बी मतलब रीड समवन एंड 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 बाय दिस लाइक यू आर रेफरिंग टू द a uh, recent statement of uh, uh, mary shamza like uh, uh, she was reading a paper देखे उनकी मेरे लिए वो नहाय का हमारे लिए बहुत हमारे लिए ये ज्यादा शर्मिंदगी की बात है दी आर टैकलिंग इट वो हमारे लिए उनका क्लेम करना इतनी बड़ी शर्मिंदगी नहीं थी क्योंकि वो एक सर्टन तरीके से टैकल हो रही थी ये किसी का पर्सनल तो मैटर था ही नहीं हम अगर एक बात पूछ रहे थे हम तो सिर्फ सिंपल के जी अगर आपका कोई ऐसा कागज है आपके पास कोई ऐसी चीज है आप प्रोवाइड करें पहले कर देते आपको पहले दे देते पहले वाले लोग दे देते इसको रोकने का कोई मकसद ही नहीं है हम तो कहते हैं कि भाई जब आप एक बैंड बजा पीएनसीए में तो लुट मची हुई है पेंटिंग्स गई भी है, गई नहीं है तो नहीं ताहिर क्या करता वो रिकॉर्ड ही बराबर करता ना कि एक दफा मैं सील लगा दू एक सील लग जाए कि भाई ये चीजें कम से कम 2016 तक तो मौजूद हैं अब इससे आगे का मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं मैम एक, 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 हमने एक, भी एक, एक, एक जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बात बातवील हो रही है मैं एक, एक कुछ और सवाल भी जो मैंने आपसे करने एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमृता शेर गिल की जो पेंटिंग किस डीजी के कमरे से चोरी हुई थी हमारे वही थे उस वक्त मेरा ख्याल है गुलाम रसूल देखें वही वाली बात है मैं उस टाइम में नहीं हूँ नहीं, आप उस नहीं में नहीं, नहीं। नहीं, लेकिन लेकिन पता तो होता है नाकिस्तान ना जो भी डायरेक्टर का कमरा था चाहे उस वक्त गुलाम रसूल बैठे हुए मैं, मैं अगली बात एक आ, कमेटी बनी थी जिसमें डॉक्टर अनवर सजाद साहब लाहौर हमारे जो बहुत बड़ा नाम है हवाले से और बड़े पढ़ाने वालों में से बड़े उस्ताद प्रोफेसर बिल्कुल बिल्कुल और एक और नाम मेरे जहन से निकल रहा है जिनको बाकायदा कहा गया था बुलाया गया था इस कमेटी को कि वो नेशनल आर्ट गैलरी के अंदर आए और ये देखें क्योंकि कुछ वक्त पहले भी फेक पेंटिंग्स का बड़ा मामला उठा था ये चंद वर्ष पुरानी तो ये आपके दौर की बात है जब आप वहां पे थी देखें मैं, जी मैं फिर वही वाली बात आ जाती है चूंकि मैं एक मेंबर थी रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को उस कमेटी में जो कि 2016 का प्रोप था ठीक है उस कमेटी का मुझे याद है कि मेंबर्स बनाए गए क्योंकि वहां पर फेक डिटेक्ट हुआ और मेंबर्स बनाए गए जिसमें बशीर साहब उस्ताद बशीर अहमद जी जो हमारे मिनिएचर आर्टिस्ट हैं बिल्कुल ठीक है रिस्टोरेटर हैं और काम करते हैं बहुत बड़ा नाम है हमारा मिनिएचर मिनिएचर की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है और बशीर एग्जैक्टली बिल्कुल तो एक बशीर साहब उसमें थे hmm. मुर्तजा जाफरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स के प्रिंसिपल हैं फॉर सो मेनी एक वो मेंबर थे और एक हमारी राहत नवीद मसूद साहबा हैं डॉक्टर राहत नवीद मसूद साहब hmm. ये सब क्रेडिबल लोग थे और hmm. इनको हमने इस चीज पे कहा था कि प्लीज आप डिटेक्ट करें क्योंकि शुरू की ही उस चीज में इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली थी और उनकी फाइंडिंग्स यही थी कि तस्वीर को अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो आपने जो भी कुछ की भी है इनकी फ्रेमिंग और इनका पीछे से सारा वो जो इनकी कार्रवाई होती है उसको आप लोगों ने फ्रेम करवा दिया है किसके टाइम पीरियड में ये क्यों किया इस तरह से आप लोगों ने और जो भी मतलब बशीर साहब का कहना था कि ये तो आपका कैनवस खुद बोलता है आपका कागज खुद बोलता है कि जी ये ओरिजिनल है या फेक है या क्या है या क्या, है, या क्या नहीं है तो उन लोगों को हमने बिल्कुल एक हमारी कमेटी बनी उन उनकी अपनी दो तीन हमारी उनकी मीटिंग्स भी हुई लेकिन वही बात है कि ये इंटरेस्ट की बात है जब जमाल साहब ने ये केस एफ को भेजा कि जी आप इस पे हमें अपना वर्डिक दीजिए वहां इस चीज को गोल मोल कर दिया गया कहने का मतलब है हम सबको पता है कि गवर्नमेंट इधारों में काम का तरीका कार अगर किसी चीज को आपने अंडर कवर डालना हो तो आपको फाइल रख लेते हैं ताकि लोग भूल जाएं किसी को फिर याद नहीं होता फिर कोई नया आता है और कौन इतना पैश, पैशनेटली परसू करता है मैं समझती हूँ कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर ये हमारे कल्चर और इस वर्ष को जिस तरह से मतलब इनके टाइम पीरियड में एक चीज हुई है ये बहुत बड़ी बात हुई है कि मैं समझती हूँ सही, इसको, इसको सही तरीके से लेके जाना चाहिए और इस तमाम चीज को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए बेशक ये मैं कोई बात कर, कर रहा हूँ ये, ये, ये आप 2016 की कमेटी की बात कर रही हैं जिस कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली सादकैन और चंद जो बड़े हमारे पेंटर्स हैं उनकी शाहकार पेंटिंग्स के हवाले से डॉक्टर अनवर सजाद और दुरिया काजी उनका एक मेंबर और भी था ये उससे भी चंद बरस पुरानी बात है और उसमें उन्होंने ये कहा था कि बास पेंटिंग्स ऐसी हैं की कि जो बिल्कुल जिसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता लेट मी कंक्लूड क्योंकि अब हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है हमने काफी इसके ऊपर बात कर ली है मैम एक अब आप क्या सजेस्ट करती हैं आपको बहुत उम्मीद है शफकत महमूद साहब वफाकी वजीर से और मौजूदा हुकूमत से जिन्होंने इस केस को टेकअप करने की कोशिश की है बिल्कुल लेकिन अब मैं माफी चाहता हूँ बिल्कुल जर्नलिस्ट अगर मैं और ब्रॉडकास्ट की बात करूं तो मुझे अभी भी आ, आप बहुत ज्यादा होपफुल हैं मुझे ये कहना पड़ेगा लेकिन अभी भी इस हकूमत में उस लेवल के ऊपर हमें विगर और उस लेवल पे चीज अभी नजर नहीं आई ठीक है, है इसमें कुछ बात होना शुरू हुई है ये तो पिछली हुकूमत में भी बात हो रही थी कि जो नेशनल असेंबली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी उसके अंदर भी फेक पेंटिंग्स अमृता शेरबुल की पेंटिंग एक सौ सैंतीस पेंटिंग जो हैं 137 पेंटिंग्स की बात हो रही थी और वो अभी तक हमें उसके कहीं पे भी पे नजर नहीं आई अभी हमने नैब की तरफ से आ, सुना था कि उन्होंने पी के मामला और पेंटिंग्स की चोरी के मामला को उठाने की बात की है अब दो हफ्ते के बाद हमें अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल में जबकि एफ आई एफआईए की रिपोर्ट जो है वो भी उसरा से आम पर नहीं आई मैंने एफ आई ए में कुछ हमारे ताल्लुक थे मैंने उनसे पूछा उन्होंने भी इसको कोई गोल मोल जवाब में वो किया हुआ है फिर उन्होंने अपनी ही रिपोर्ट के बारे में ये कहा है कि हमारी एहलीत उस लेवल की नहीं है कि हम पेंटिंग्स के बारे में और उसकी चोरी के मामला को उस तरह से टेकअप कर सकें नैब की अपनी सलाहियत जो है वो उस तरह से नहीं है तो क्या मेरे जहन में जो इस वक्त एक जो मैकेनिज्म तहकीकात का नजर आता है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कोई जुडिशल कमीशन फॉर्म करें जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस भी हूँ एक्सपर्ट्स भी हूँ जैसे नईम ताहिर साहब इजाजुल हसन साहब और इस लेवल के या जमाल शाह साहब इस लेवल के डॉक्टर अनवर सज्जाद दुरिया काजी जो आ, जैसे एन सी ए के प्रिंसिपल साहब का आपने नाम लिया उस लेवल के राहत नवीद मसूद साहबा इस लेवल के आर्टिस्ट जो उस वक्त की या पुरानी चीजों के बारे में आर्ट के बारे में उस वक्त की कैनवे के बारे में चीजों के बारे में जो ज्यादा जानते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसके अंदर शामिल हूं फिर ये है कि जो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के इस वक्त ताहियात हैं अल्लाह उनकी जिंदगी सेहत सलामती रखे उनको भी इसके अंदर एक लार्जर जुडिशल कमीशन या वॉट कमीशन का जो भी नाम हो लेकिन उसकी कंपोजिशन डू यू एग्री टू इट बिल्कुल ही हंड्रेड एंड वन परसेंट मैं समझती हूँ कि इसमें आप हर तबका फिक्र से लोग रखें क्योंकि देखें मतलब ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है मैं समझती हूँ हमारे मुल्क का बड़ा नाम है नैर अली दादा साहब हैं उनको तो जो तस्वीर जिस तरह से भी उनके एंगल में सामने हो वो अपनी उनकी गैलरी भी है वो इस चीज पर बात कर सकते हैं हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका बड़ा नाम है देखें दोस्तियां अपनी जगह पे हमारे अपने पर्सनल सोशल इंटरक्शन अपनी जगह पे लेकिन जब कौमी मफाद की बात आती है तो हमें कोई लाह अमल तैयार देना है आने वाली जनरेशन के लिए हम ऐसे अनडन un, uh, uh, मतलब अटेंडेड इशूज हम अपनी अपने लोगों को क्या हम अपनी नेशन को uh, एक फ्यूचर दे रहे हैं मैं मैं समझती कि कि ये आपका पॉइंट इसको कि इसको सपोर्ट करती जरूर इस तरीके से हमें आ, हल करना चाहिए और ये जो आप कह रहे हैं मैं ये जो आप कह रहा था अच्छा जी 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 आइए आइए हाँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी इस बात से मैं हंड्रेड एंड वन परसेंट एग्री करती हूँ कि एक तो ये ये जो भी कमीशन है ये जरूर बनना चाहिए बिकॉज इसके बगैर आप चीज़ों को टाई अप नहीं कर सकते और दूसरी आपने मेरी पॉजिटिविटी की ऑप्टिमिज्म की बात की है तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स उस तरीके से प्रो हुए होते और सामने रख लेते तो कोई भी इस पे फैसला लेने से पहले सोच लिया जाता कि भाई इसको किस तरीके से फाइनल कंक्लूड uh, करना है जो भी कोई हिस्ट्री रही है चलें 22 साल मेरी शमजा या 10 साल या 8 साल या 9 साल उनको नहीं देहान आया लेकिन अगर उनको ध्यान आया तो हमने ऐसा चैप्टर बनाना है कि आने वाले टाइम में हमें शर्मिंदगी ना हो कोई हमें ये ना कहे कि वो आपके रिश्तेदार थे वो सारे आपके जाने वाले थे आपने उनको तो फेवर दे दिया आप हमें भी दें हमारा भी कोई जानने वाला होता हमारे लिए भी ये काम कर लेता नहीं लेकिन प्रेजेंट समझ लेकिन, रहे लेकिन, ना लेकिन वी शुड नॉट लीव आमना पटोदी साहबा यू हैव यू हैव सेट द प्रेसिडेंट यू मीन लाइक पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स हैव सेट द प्रेसिडेंट के पुरानी पेंटिंग्स कोई उनके हियर्स कोई भी तरह के हूं बिल्कुल तो कोई चाचा फूफा के कोई बेटे हूं वो आज बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई ये नेशनल आर्ट गैलरी में हमारी पेंटिंग पड़ी हुई थी और हमने तो ये मुस्तार दी थी ये लोन के तौर पर दी थी ये हमें वापस करें हमारे पास भी कोई कागज नहीं है अगर मेरी शमजा को बगैर कागज की दी जा सकती हो तो मुझे क्यों नहीं दी जा सकती कर सकता हूँ आज मुझे कागज दे दें दस साल इंतजार से बैठ जाएं अगले बीस साल के बाद कोर्ट में जाके केस कर दें कि जी आपके पास तो प्रेसिडेंट सेट है मैं तो उसका नवासे का पोता पोता हूं मुझे भी दें देखिए हम तो सिर्फ अपने वक्त का सोचते हैं हम आने वाले वक्त का नहीं सोचते इसीलिए आज हम इस इस जगह के ऊपर खड़े हैं मैं समझती हूँ कि इसमें इमरान साहब की इमरान खान साहब की क्यादत को बहुत क्रेडिट जाता है कि हम जैसे लोगों में जुरत और जसारत है कि हमारी कोई आवाज सुनेगा कोई बात करेगा देखें आपने लोगों को एजुकेट करना है हमने आर्ट से अपनी अपनी नेशन को एजुकेट करना है आप बिलीव नहीं कर सकते हैं हमारी बड़ा बड़ा हमारा नाम है हमारी एक आर्टिस्ट है उन्होंने पीएनसीए में अपनी नुमाइश लगा दी कोई उनका थीसिस का काम था दीवारों पे काम किया नेशनल आर्ट गैलरी पे और पूरे उसमें कर दिया और थीसिस पे वीडियो शिडियो बना के वो खातून चली गई एक दिन हम बुला रहे हैं जी वो खातून आ रही हैं वो कह रही हैं जी मैं तो अखबार में लिख के दूंगी मैं तो क्या करूंगी मेरा तो आपने पी से काम ही उड़ा दिया है तो मैंने कहा जी मेरे पास भेज दें उनको और मैंने उनसे सिर्फ दो बातें की मैंने कहा मैम आज आप पांच छह साल के बाद वापस आई हैं और आप कह रही हैं मेरा काम कहाँ है क्या आपने यू मतलब यू डिस्प्ले योर वर्क अब्रॉड आप मुझे बताइए आपने नेशनल गैलरी की प्रेमिस आपने यूज की

का हक है इसमें। जी बिल्कुल सही मुझे आखिर में यह बताइए कि जो प्रोसेस इस वक्त मौजूदा डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान होनी चाहिए वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आपके आपने तो साफ इसमें कहा कि बहुत सारे जो रेलिवेंट कागज थे चीजें थी वो इसके अंदर मौजूद नहीं लिहाजा आपने रिफ्यूज किया अपने दौर में लेकिन अब वो कर दिया तो क्या इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोब होनी चाहिए इस मामले की तो नैब में नैब में चला गया ना नैब करे मैं तो ये कहती हूँ अगर मैडम ने जो हमारी प्रेजेंट डीजी हैं अगर उन्होंने वो कन्विंस हुई हैं जो भी कागजात उनको दिखाए गए देखिए सबसे पहले तो हमने इस चीज पर इत्तेफाक करना है कि हमारा कोई झगड़ा इस मुजस खातून के साथ नहीं है मेरी शमजा के साथ अगर वो हकदार हैं तो उनका उनको उनका हक मिलना चाहिए हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कुछ कागजात जो कि एक टाइम पीरियड पे देने चाहिए थे या आपको अपने काम के बारे में देखें ज्यादा ज्यादा वो यही सुनती ना कि जी आपकी पेंटिंग्स गुम गई हैं आपकी पेंटिंग्स हैं नहीं खामोशी तो कोई इंसान इख्तियार नहीं करता आप इसको मुझे बताएं कोई भी कुछ चीजों पर क्वेश्चन होगा क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि पी के रिकॉर्ड में चीजें हों और लोगों ने डिलीबरेटली ना दिखाई हो और अगर ना दिखाई हो तो फिर कहां से कहा आई है उनका कोई आ, उनका कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए अगर मैं इतने अरसे वहां रहने के बावजूद मुझे वो ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्योंकि मेरा एक तरीका कार था मेरा जो कागज मेरे दफ्तर से चाहे मिनिस्ट्री जाता था चाहे मेरे अदारे में किसी के पास भी जाता था मेरे पास उस कागज की एक फोटो कॉपी जरूर होती थी क्योंकि यहाँ पे ये तरीका है कार था की पूरी, पूरी फाइल गायब हो जाती से कागज भेजे कहते हैं जो आप भेज देते हैं ना backspace, backspace. फैक्स करते हैं और वो फैक्स एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं पहुंचता पहुंचा ही नहीं तो जमीन खा गई आसमान अब आने का मतलब है वी हैव Enough, uh, uh, questions. ये वो सवालात हैं जो मैंने आपसे किए की आई एम ऑल्सो आंसरेबल ठीक है फॉर एवरीथिंग आप सबको कटहरे में खड़ा करें बिल्कुल ठीक आप उन तमाम लोगों को सवाल में रखें कि भाई आपने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया बिल्कुल ऐसी क्या आप पर आफत आई थी अगर एक सर्टन क्रेडिबिलिटी आपकी है तो आपने क्यों आंखें बंद की हुई थी बिल्कुल ठीक रीजन क्या था? अब, इसीलिए हमने आपको जहमत दी एंड थैंक यू सो मच आपने इसके ऊपर बात की एक मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो पेंटिंग्स एक गुम हो चुकी अमृता शेरगुल की पेंटिंग कहीं से कहीं पहुंच गई तो जो पेंटिंग्स यहाँ से जा चुकी किसी सूरत उस आर्ट ट्रेजर को वापस नेशनल गैलरी नेशनल आर्ट गैलरी में लाया जा सकता है और लाया जा सकता है तो किस तरह से क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज कोई ऐसी चीजें कोई ऐसे कोई प्रोसेस प्रोसीजर्स मौजूद हैं देखें जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर लोगों ने निशान ही मिटा दिया है ये जो हम कहते हैं ना कि जी मिसिंग पेंटिंग्स कुछ का तो रिकॉर्ड मौजूद है क्योंकि इन्वेंट्री में आप जब कोई पेंटिंग आती है कोई देता है खरीदता है या किसी नुमाइश के लिए आई हुई है तो उसका वहां पर इंदराज एक होता है चाहे बाद में आपने उस पेंटिंग के साथ कुछ भी किया नुमाइश के लिए भेजा वो बाहर से ही वापस नहीं आई तो उसका भी एक रिकॉर्ड होता है अगर आप उस चीज की और उस चीज की आप जिम्मेदारी लेते हैं सपोज आप कहते हैं कि जी मैंने एक नुमाइश बाहर भेजी थी वो बाहर से आई नहीं वो कश्ती डूब गई वो मिसप्लेस हो गई जहां वो क्रेट ही कहीं गुम हो गया दस पेंटिंग्स का बीस पेंटिंग्स का लेकिन आपने कोई जवाब तो दिया ना कि जी ये मुझसे गुम हो गई तो वो चीज उस चीज के बीच में आ गई अगर वो पेंटिंग आपके पास मौजूद है और आप कहते हैं जी फला आर्टिस्ट मर गया था क्योंकि इस तरह की बुनियाद है ये जो है फला आर्टिस्ट मर गया था उसके रिश्तेदार आए हमने वो पेंटिंग उसको दे दी हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर आपने मिसाल के तौर पर खालिद इकबाल गुजर गए वो पेंटिंग आपने उसके लवाकीन को दे दी है तो क्या उनसे कुछ लिख के दिया उससे को कागज लिया कि भाई ये हम तुझे दे रहे हैं ये कोई बंदर बांट है Hmm. तो hmm. हमने ये सवाल उठाए जिस पर जहां पेंटिंग्स इंदराज नहीं हुई थी वो रिट्रीव भी हुई हैं लिस्ट बहुत बड़ी थी वो पेंटिंग्स रिट्रीव हुई वो पेंटिंग्स लोगों ने कुछ ने घर में संभाल के रखी हुई थी कि जी हमने एहतियात से रखी हुई थी बट दे वन फेल कि जी ये तो कोई सीरियस बात हो रही है उन्होंने ला के प्रोड्यूस कर दी पेंटिंग्स hmm. कहने का hmm. मतलब सिर्फ ये है कि तरीका कार किया जा सकता है एटलीस्ट लिखा जा सकता है वहां पे एक अच्छा, नोट रिमार्क और चीज बिल्कुल सही बिल्कुल सही 2010 में जब ये मुआमलात फेक पेंटिंग्स के और मिसिंग पेंटिंग्स के ये सारी सूरत हाल हुई तो जो बानिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स हैं डॉक्टर खालिद सईद बट साहब जब वो फ्रांस से आए तो फैज साहब ने थी? उनको एनसीए का लगाया तो मैं स्पेशली इंटरव्यू करने के लिए खालिद सईद बट साहब के पास गया उनको मैंने कहा उन्होंने कहा कि अगर तो इन्वेंट्री पुरानी है जो पुराना रजिस्टर है और उसी तरतीब से चलती जा रही है फिर जो मिसिंग पेंटिंग्स वाली बात है, उस वो क्वेश्चन उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मतलब वो मतलब वो उसके को वो क्वेश्चन तो नहीं कर सकते अगर तो इन्वेंट्री नहीं बनी है तो फिर बहुत सारे इबहाम और चोरी के इल्जाम और ये सारी चीजें मुनीर साहब जो आप कर रहे हैं वो हो सकता है अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं क्या उन्नीस की इन्वेंट्री वाला रजिस्टर चल रहा है या इन्वेंट्री दोबारा से बनाई गई रजिस्टर एफ सेवन फोर से नहीं रजिस्टर तो खत्म हो, हो जाता लेकिन कंटिन्यू तो करते हैं ना आगे लेकिन मौजूद भी रहते हैं पुराना रिकॉर्ड मौजूद भी रहता है हटा हुआ है जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल है। चाहे कागज फटा हुआ है आप जलाते नहीं है आप ये नहीं कहते कि जी चीज को जला दो बस अब हमने जो अब बनाया है ये है या जो मेरे नॉलेज में ये बात है कि जब एफ सेवन फोर्थ से गैलरी नेशनल आर्ट गैलरी जो है वो अपनी बिल्डिंग में मौजूदा दबाई शिफ्ट हुई है तो इन्वेंट्री बदली गई देखेंट उस, देखें, देखें कोई भी बात से पे नहीं होनी चाहिए। आप जो बात करते हैं इस उम्र और इस टाइम इस, में आपको उसके बारे में हंड्रेड एंड वन परसेंट छोटी होनी चाहिए क्योंकि देखें आपकी क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब आप सच और सही बात करें मैं गलत बात नहीं करूंगी अगर आ, आ, शिफ्टिंग के बाद इन्वेंट्री जो मैंने देखा है मैंने तो ये देखा है कि इन्वेंट्री में से कागज गायब थे अगर okay. 76 पेज है तो उसके बाद टू हंड्रेड एंड थर्ड पेज आ गया है okay. तो भाई बीच के पेजेस कहाँ चले गए hmm. देखे ना hmm. मैं उसको क्वेश्चन कर सकती हूँ पुराने रजिस्टर है हमने इन्वेंट्री जब वहां से आया जो भी रजिस्टर थे उससे जो उस वक्त की डायरेक्टर मौजूद थी उन्होंने इन्वेंट्री बनाई होंगी 2011 में एक इन्वेंट्री बनी है 2012 में पुरानी वही इन्वेंट्रीज है यानी जो मौजूदा सामान आपके पास मौजूद था उसके बाद उस सामान में हेर फेर नहीं हुई है, ठीक है। वो सामान एज इट इज उसकी जो क्लिपिंग है ना वो मिनिस्ट्री में गई है वो मिनिस्ट्री के पास उसका रिकॉर्ड गया है, है। बारह में भी गया है ग्यारह में भी गया है कि ये ये असासे हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त ये अलग बात है कि जब 2016 में आपने इन्वेस्टिगेट किया तो कई ऐसी पेंटिंग्स निकली नई पेंटिंग जिसमें गुलजी तक शामिल थे कि जिनकी इन्वेंट्री नहीं बनी थी और वो स्टोर में रखी होती या शायद नुमाइश के लिए रखी हो या किसी ने सेल के लिए दी हो क्या मेरा मेरी नुमाइश कर दें मेरा काम या ऐसे कर दें बट वो टाइम के वो तमाम सिस्टम क्लोज डाउन हो गया ठीक और उसके बाद मैं बिल्कुल वसूख से कहती हूँ कि कोई ऐसी चीज ना अदारे से बाहर गई है क्योंकि सिस्टम अवेयर हो गया ये हम वही बात करते हैं कि आईके को हम हमारे इमरान खान को आप जितनी भी बात करें ये आप जरूर कहेंगे कि उसने लोगों को एजुकेट किया वो बोला चाहे उसको आप कुछ भी कह दें मैं इसमें ये बात जरूर कहती हूँ कि इस चीज को सपोर्ट करें ये जो आप काम कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं आप मैसेस को मैसेस को आप एजुकेट कर रहे हैं ये किसी के घर का मसला नहीं है ये नेशनल एसेट की बात हो रही है बेशक बेशक इसको हमें पब्लिक करना बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया और आपने जो बात की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोगों को एजुकेट किया उनके सियासी नजरियात और सियासी जो अमल है उसके बारे में शायद कोई हाम हो सकता है या कोई दूसरी बात हो सकती है क्योंकि सियासत बिल्कुल मुतजाद अराक का लेकिन जो उन्होंने आवाम को एजुकेट करने का जो सिलसिला शुरू किया है और जो ऐसे बाज चीज़ों ने जरूरत दी, दी है ये एक बहुत बड़ी बात है और हम डेफिनेटली हमें इसको एज्रिएट करना चाहिए और अगर और अगर नैब इस वक्त थोड़ा सा इस हवाले से मुता हो जाए तो उसको भी अप्रीशिएट करना चाहिए और हमें जुडिशल कमीशन कमीशन या एक एक बड़े लार्जर की तरफ जाना चाहिए का मामला है और ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है ये आने वाली नस्लों और हमारी शनाख्त का मामला है बहुत शुक्रिया इसमाइल पटौदी साहबा सबक डायरेक्टर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट आपने हमारे साथ रही और बड़े चुपते हुए सवालों के आपने बर्मला और चुपते हुए दिए <laughs> और ये बहुत जरूरी Thank है कि देखें हमारी Thank भी you. कोशिश ये है कि क्योंकि आप कहा गया कि जो पहली जो इससे पहले जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर विजुअल आर्ट्स थी शी रिफ्यूज और कोई oh नहीं था जी आई वाज द फर्स्ट वन मैं वही कह रहा हूँ आप ही की बात कर रहे हैं आप ही की बात कर रहे हैं के वहां पे सूरत हाल थी लेकिन आपकी गुफ्तगु से हमें बहुत सारे मामला को समझने की और मेरे जो नाजरीन हैं उनको भी बहुत सारे मामला को समझने की और एजुकेट होने का मौका मिला थैंक यू सो मच नाजरीन आपने बात, आ, आपने आ, जो इस वक्त पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में ए जे शमजा की पेंटिंग्स के हवाले से आ, जो इस वक्त स्कैंडल कह लें जो इस वक्त कर, कंट्रोवर्सी कह लें वो चल रही है उसके ऊपर हमने आमना इस्माइल पटोदी जो एग्जैक्टिव डायरेक्टर विजुअल आर्ट्स आर्ट्स पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ उनसे हमने बात की इसके बारे में आपके कोई सवाल तो आप इसी वीडियो के इसी इंटरव्यू के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं और या आप डेव पाकिस्तान के इनबॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि जो हमारा अगला इंटरव्यू हो Uh, वो भी जाहिर है किसी ना किसी आर्ट पर्सनैलिटी से होगा उससे हम आपको जवाब लेके दे, दे सके इजाजत दीजिए डी टी एन एक्सक्लूसिव से अल्लाह हाफिज